सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मोदी नगर नॉर्थ से लेकर और मोदी नगर साउथ के स्टेशन तक चलेंगे आज और दिखाएंगे कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर हो चुका है, कितना है बाकी, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए केपी संत के साथ में, तो चलते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो जितने भी यहाँ पर ये पिलर बने हुए हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और बारिश का टाइम चल रहा है। और आपको बता दूं जो ये योजना बनाई गई है जिस पर इतने जिसका इस योजना पर जो खर्च आया है इस कॉरिडोर पर वो आया 30,274 करोड़ का। और ये 82 किलोमीटर की पूरा रूट है और इस पर जो रैपिड रेल दौड़ेगी वो दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से। और ये हमारे दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। गई तो देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है और इसका मुंह है मेरठ साउथ की तरफ। तो देख सकते हैं कि इतना ये बायोडक्ट इस लॉन्चर ने जोड़ दिया है जो कि 1-2 महीने पहले ही लगाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 से 12 पिलर इसने कनेक्ट कर दिया ये बायोडक्ट पे। अब इस बायोडक्ट पे आपको बता दूं कि इस पर जो ऊपर का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये स्टैंड किया गया था, ये देख सकते हैं ये लगे हुए हैं इन पिलरों पे। देख सकते हैं ये फाउंडेशन क्लियर कर गया है, क्लियर कर लिया गया है और इन पर आप देख सकते हैं पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। और इस पर आप इस पर रिंग लगाए जाने, रिंग लगाए जाने के बाद मैं इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, पिलर कंप्लीट हो जाएगा। और इधर देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, इन पर पिलर कैप भी लग चुका है, सारे काम इधर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के बगल में ही एक लॉन्चर और लगा हुआ है, वो भी इसी डायरेक्शन में है मेरठ साउथ स्टेशन की तरफ। गई तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कहीं कहीं इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है, पिलर कैप लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये पिलर कैप यहाँ पर लगाने का काम चल रहा है, इधर अभी पिलर खड़ा होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है इधर पिलर के, इधर अभी यहाँ पर फाउंडेशन क्लियर कर लिया गया है। तो कहीं कहीं फाउंडेशन हो गया, अभी यहाँ बीच में पिलर बनेंगे। तो ये तो बन चुका है पिलर, ये देख सकते हैं इस पे अभी ये आ जाता है, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ये भी पिलर भरा जाना है अभी, और ये आगे के पिलर पे अभी काम नहीं हुआ है। और दूसरा लॉन्चर आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये भी आप लोगों को बता दूं ये भी मेरठ साउथ की तरफ इसका मुंह है, ये भी जोड़ता हुआ जा रहा है। तो दो लॉन्चर तो आप लोगों ने देख लिए, अब आएगा मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन। तो देख सकते हैं ये किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस आप लोगों को बता दूं कि मोदी नगर नॉर्थ से लेकर यहाँ तक इतना बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पिलर को जोड़ दिया, मतलब कि ये बायोडक्ट इतना जोड़ दिया है इस लॉन्चर ने। और देख सकते हैं मोदी नगर नॉर्थ का ये आ चुका है RRTS का स्टेशन गाइड। और देख सकते हैं अभी इसको आर्म्स को जोड़ने का काम चल रहा है, इस पर कहीं कहीं आर्म्स जोड़े जा रहे हैं। तो अभी सेकंड फ्लोर के आर्म्स को जोड़ने का काम चल रहा है, देख सकते हैं वो सेटरिंग बिठाई जा रही है, दूसरे आर्म्स को बनाए जाएंगे सेकंड फ्लोर के, क्योंकि कौन कौन फ्लोवर के तो ये आर्म्स को जोड़ दिया गया है और कहीं कहीं इन पर फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रख दिए इन्होंने गाटर लॉन्चिंग हो रही है। और इधर ये नीचे एक सेटरिंग ये देख सकते हैं आर्म्स को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में ये भी पिलर का देखो फाउंडेशन क्लियर हो गया है और इस पर पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया गया। अब इन पर रिंग लगाए जाने, रिंग लगाए जाने के बाद में कंक्रीट की मदद से ये भर लिए जाएंगे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन निकलने के बाद का नज़ारा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए
मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर चल रहे हैं और दिखाएंगे आप लोगों के वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है। तो देख सकते हैं अभी इनका बस फाउंडेशन ही क्लियर हुआ है और जो पिलर का स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है। अभी इन पर रिंग लगाए जाने हैं हर पिलर पर, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पिलर कंप्लीट नहीं हुआ है और जो भी टाइम लगता है, जो भी वक्त लगता है, वो पिलर को बनाने में ही टाइम लगता है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें दोस्तों, देखो सारा टाइम इसी में लगता है। बाकी तो लॉन्चर द्वारा फटाफट मतलब जोड़ते हुए चले जाते हैं सेगमेंट को जोड़ते हुए तेज़ी के साथ में निकल जाते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन पर मतलब कि रिंग लगाए जा रहे हैं पिलर पर। और जब रिंग लग जाएंगे, रिंग लग जाने के बाद में फिर इन पर कंक्रीट की मदद से ये पिलर भर दिया जाएगा। भर जाने के बाद में फिर सूख जाने के बाद में फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो यही काम है और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो L&T, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर स्लो डाउन लगता हुआ क्योंकि ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है रैपिड रेल के लिए, वो ही उसी वजह से यहाँ पर ये स्लो डाउन रहता है ज़्यादा, और स्लो डाउन इसी वजह से रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर कंप्लीट हो गया, इन पर बस पिलर कैप का काम किया जाना है, इन पर पिलर कैप लगाया जाना है और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क हो चुका है, वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। और आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में जहाँ से दिखाया था वहीं से आज स्टार्ट किया है। तो मोदी नगर नॉर्थ और मोदी नगर साउथ के स्टेशन का ये बीच का नज़ारा है, मतलब कि मोदी नगर का ही ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो मोदी नगर में देख सकते हैं आप लोग कितना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन लगा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आपको बता दूं यहाँ पर 14,000 कर्मचारी वर्क कर रहे हैं और 1100 इंजीनियर द्वारा इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है 82 किलोमीटर के रूट को। तो देख सकते हैं ये पिलर कैप का काम चल रहा है, पिलर कैप लगाए जा रहे हैं इन पिलरों पे, ये तो कंप्लीट हो गए हैं बनके, और इधर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हैं ये पिलर कैप का काम किया जाएगा, यहाँ पर ये पिलर कैप लगाया जा रहा है, ऐसे ही उन पर लगाया जाएगा। सेटिंग लगी हुई है, सेटिंग बिठा दी गई है, फिर इसमें अब कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा, पिलर कैप बनाया जाएगा। तो यही नज़ारे हैं दोस्तों इस रूट पे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस KP संत आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देता रहता है, आप लोगों के बीच में इंटरटेन करता रहता है आप लोगों को। तो देख सकते हैं अभी इधर की साइड में ये पिलर कैप बनाने का ही काम चल रहा है, इधर पिलर कैप लगाए जा रहे हैं और दूसरा लॉन्चर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं इधर की साइड में ये पिलर कैप बनाने का काम चल रहा है। और जो आपको लोगों को बता दूं, ये मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले ही ये लॉन्चर यहाँ पर स्टैंड कर दिया गया है, देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टैंड किया जाता है लॉन्चर को, वो आप लोग देख सकते हो। ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ चुका है पहली बार, अब ये जोड़ेगा आगे, यानी कि ये भी इधर की साइड में ही है, मेरठ साउथ की स्टेशन की तरफ इसका मुँह है गाइस। और अब आगे आने वाला है मोदी नगर साउथ का स्टेशन, उस पर भी देख लेते हैं कि कितना कुछ वर्क हो चुका है, कितना कुछ बाकी रह गया है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इधर तो बिल्कुल पिलर आपको बता दूं कंप्लीट हो गए हैं, इन पर पिलर कैप का काम भी कर लिया जा चुका है, सारे पिलर बिल्कुल कंप्लीट हैं। बस लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि बायोडक्ट पूरा बनता हुआ चला जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और ये जो नज़ारे हैं ये हैं मोदी नगर के, देख सकते हैं यहाँ तक तो पिलर तो बन चुके हैं। अब आगे देख सकते हैं इन पर पिलर कैप का काम किया जाना, ये दो पिलर बचे हुए हैं, दो तीन पिलर, इन पर पिलर कैप लगाया जाना है, आगे पिलर कैप लगा हुआ है इन पर, आगे तो इन पर तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाता है मोदी नगर का स्टेशन बस स्टैंड, ये मेरे लेफ्ट में जहाँ ये बस है, ये मोदी नगर का स्टेशन है दोस्तों, देख सकते हैं। देखो ये पिलर कंप्लीट हो गए हैं, अब देखो इन पर भी पिलर कैप का काम किया जाना है,
एंड पे भी अभी दो पिलर ये बचे हुए हैं पिलर कैप के लिए, और बाकी के पिलर ये कंप्लीट हो चुके हैं। उस पर देखिए सेटरिंग लगी हुई है, वो लगी हुई है सेटरिंग। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।